तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज आयोजित मीटिंग में कहा है कि किसानों के हित के लिए सरकार सभी जरूरी कदम लेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महासंघों के लिए अगले बजट में उनकी सरकार को 500 करोड़ रुपए का एक धन प्रदान किया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निधि का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि किसानों को उनके उपज के लिए MSP मिले और ये भी उच्च कीमत के लिए फसल बेच सके। ये महासंघ वित्तीय संस्थानों और बैंकों से धन जुटा सकते हैं। सीएम केसीआर ने कहा कि बजट में 500 करोड़ रुपए का एक निधि उपलब्ध कराया जाएगा जो किसानों के संघों को दिया जाएगा। इन महासंघों को पूंजीगत निधि के साथ आर्थिक रूप से और बैंकों से ऋण जुटाने के लिए मजबूती मिलेगी। ये महासंघ सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनके उपज के लिए एक MSP प्राप्त है, इसके अलावा उन्हें अधिक कीमत मिले। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उपज बेचनी चाहिए। अगर उन्हें MSP से अधिक कीमतें मिलती है या फिर महासंघों को मूल्य वृद्धि के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका उपज बेचना चाहिए। अगर उन्हें MSP से अधिक कीमत मिलती है तो महासंघों को मूल्य की वृद्धि के लिए अनुमति दी जाएगी। सरकार ने कृषि लाभदायक बनाने के लिए किसानों के कल्याण के लिए कई उपायों की शुरुआत की है। हर स्तर पर इन संगठनों ने हस्तक्षेप किया और कृषि समुदाय की मदद की। वे सरकार तैयार करने में भी सरकार की मदद करेंगे और किसानों के बीच समन्वय करेंगे। राव ने फसल के लिए मूल्य समर्थन अभियान बनाने के लिए मंडल, जिला और राज्य स्तरों पर किसानों के संघों की स्थापना की घोषणा की थी।